हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव माइंड। दिस इज चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 12। चैप्टर नेम इज मॉडर्न इंडियन आर्ट एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट मॉडर्न इंडियन आर्ट। दैट मीन्स इंडिया की जो मॉडर्न आर्ट थी उसके बारे में हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होंगे वो देखिए, डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न आर्ट इन इंडिया। इंडिया में मॉडर्न आर्ट का कैसा डेवलपमेंट हुआ एंड उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वो इस पॉइंट को हम इसमें लेंगे। एंड इस पॉइंट के अंदर हम लोग जो इंडिया के अंदर डिफरेंट आर्ट स्कूल्स इस्टेब्लिश हुए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्ट स्कूल्स, राइज ऑफ नेशनल आर्ट, इंडिया में कैसे राष्ट्रवादी कला का दैट मीन्स नेशनल आर्ट का कैसा ओरिजिन हुआ उसको पढ़ेंगे। देन फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ मेन आर्टिस्ट टू मॉडर्न इंडियन आर्ट, मॉडर्न इंडियन आर्ट के अंदर इंडिया के कौन से ऐसे आर्टिस्ट थे जिनका उन्होंने अपना मेन कंट्रीब्यूशन दिया मॉडर्न आर्ट के डेवलपमेंट में। तो नंबर वन इज गगेंद्रनाथ टैगोर को हम पढ़ेंगे, सेकेंडली रविंद्रनाथ टैगोर को, नेक्स्ट नंदलाल बोस, देन फिर विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैच, जामिनी रॉय एंड लास्ट अमृता शर्गिल। हम इन सभी आर्टिस्ट को आज के वीडियो में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न आर्ट इन इंडिया। इंडिया में मॉडर्न आर्ट का कैसे डेवलपमेंट हुआ या उसका ओरिजिन कैसे हुआ या मॉडर्न आर्ट क्या थी इंडिया में, जैसे कि चैप्टर नंबर 6 जिसमें मैंने आपको बताया था कंपनी स्कूल के बारे में, अगर आपको याद हो कंपनी स्कूल। तो इंडिया के अंदर जो मॉडर्न आर्ट की जो स्टार्टिंग थी या उसका जो बेस जिसने रेडी किया था जिस आर्ट स्टाइल ने, वो कंपनी स्कूल ही था जो ब्रिटिशर्स के थ्रू इंडिया में लाया गया था। ठीक है, तो वो अपने साथ नई आर्ट स्टाइल को, नई टेक्निक को इंडिया में लेकर के आए थे, जो कि जो ट्रेडिशन आर्ट थी, जो हमारी इंडियन कल्चर था, ये इंडियन आर्ट थी, उससे बिल्कुल डिफरेंट था एंड जो बिल्कुल हमारे ट्रेडिशन से बिल्कुल जस्ट अपोज में जो आर्ट स्टाइल डेवलप हुई एंड वहीं से एक नई आधुनिकता की या मॉडर्निज्म की और हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो चुका था। तो उसी के बारे में हम इसमें देखेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्ट स्कूल, उसके लिए इंडिया में ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट टाइप के आर्ट स्कूल्स 4 बिग सिटीज़ के अंदर इस्टेब्लिश किए थे। वो सिटीज़ थी बाय द मिडल एंड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी आर्ट स्कूल्स वर इस्टेब्लिश इन लाहौर, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास बाय ब्रिटिशर्स फॉर डेवलपमेंट फॉर फाइन आर्ट्स इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया की लाहौर, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास के अंदर डिफरेंट आर्ट स्कूल्स ओपन किए, जहाँ पे उन्हें प्रॉपर तरीके से यूरोपियन आर्ट स्टाइल की ट्रेनिंग दी जा रही थी। नेक्स्ट, एकेडमिक नेचुरलिस्ट आर्ट और यूरोपियन आर्ट स्टाइल ट्रेनिंग वर गिवन इन दीज स्कूल। इन स्कूल्स के अंदर जो प्रॉपर जो एकेडमिक आर्ट होती है, दैट मीन्स सामने मॉडल को रखा जाता है, जो आज हम प्रेजेंट टाइम में हम जो ड्राइंग के अंदर स्टिल लाइफ को हम पढ़ते हैं, वो बेसिकली वहीं का ही एक पार्ट है, जिसे आज भी हम उसे फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो एकेडमिक आर्ट में क्या होता है, सामने एक एटलियर होती है, आर्ट वर्कशॉप होती है या एक एकेडमी होती है, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट्स को यूरोपियन आर्ट स्टाइल के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज एकेडमिक आर्ट। नेचुरलिस्ट आर्ट, दैट मीन्स वहाँ पे बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक जो एग्जिट है उसको वैसा ही पेंट करना, उसको बनाना सिखाया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेचुरलिस्ट आर्ट। एंड यूरोपियन आर्ट स्टाइल बेसिकली यूरोप से आई थी, इस वजह से इसको यूरोपियन, ये यूरोपियन आर्ट स्टाइल के डिफरेंट नेम्स हैं, इसमें इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी इन स्कूल्स के अंदर। राइज ऑफ नेशनलिस्ट आर्ट, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अंदर अपना एस्टैब्लिशमेंट कर लिया था, अपना डेवलपमेंट कर चुकी थी, देन उस समय में फिर जो इंडिया के कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपनी
कंपनी स्कूल के आने की वजह से जो हमारी ट्रेडिशन आर्ट थी या हमारी जो इंडियन आर्ट थी वो धीरे धीरे आर्टिस्ट को भूलने लगे थे, तो उसका डिक्लाइन होने लगा एंड कुछ आर्टिस्टों का ध्यान इसकी तरफ गया एंड उन्होंने वापस से अपनी इंडियन आर्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसे नेचुरलिस्ट नेशनलिस्ट आर्ट के नाम से जाना गया या बंगाल स्कूल के नाम से इसको रिप्रेजेंट किया गया। अगेंस्ट दिस कॉलोनियल पॉलिसी द फर्स्ट इंडिजीनियस नेशनलिस्ट आर्ट स्कूल इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश एज कला भवन एट विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन। एंड ये वाली चीज़ मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी में भी बताई थी बंगाल स्कूल के अंदर कि कॉलोनियल पॉलिसी थी जो एकेडमिक आर्ट के अगेंस्ट में इंडिया के अंदर, जैसे ब्रिटिशर्स ने अपने आर्ट स्कूल्स ओपन किए थे लाहौर, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में, सेम उसी तरह से इंडिया के कुछ आर्टिस्टों ने मिलकर भी इंडिया का नेशनल आर्ट स्कूल ओपन किया जो भारत का पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय था। और वो कला विद्यालय जिसे कला भवन बोला गया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी दैट मीन शांति निकेतन में वो स्टैब्लिश किया गया था। दिस आर्ट स्कूल वॉज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड ये आर्ट स्कूल रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा फाउंडेड किया गया था, मतलब स्टैब्लिश किया गया था। नेशनलिस्ट आर्ट और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट वॉज स्टार्टेड बाय द एफर्ट्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड ई वी हेवल। हम लोग बंगाल स्कूल को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे एंड उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि रविंद्रनाथ टैगोर एंड ई वी हेवल के ही एफर्ट से बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट काफ़ी उसका डेवलपमेंट हुआ एंड वो उसने जो कॉलोनियल आर्ट स्कूल था या कंपनी स्कूल था या यूरोपियन आर्ट स्टाइल था उसको काफ़ी अपोज किया। द प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हु गॉट ट्रेनिंग इन दिस स्कूल वर नंदलाल बोस, एम आर चुगतई, विनोद बिहारी मुखर्जी मजूमदार एंड राम किंकर बैच एसेट्रा। एंड जो बंगाल स्कूल के जो जो आर्टिस्ट थे, मेन आर्टिस्ट थे जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रॉपर बंगाल स्कूल में ट्रेनिंग दी थी दैट मीन्स वॉश टेक्निक में उनको ट्रेंड किया था, उन आर्टिस्टों में कौन कौन थे? नंदलाल बोस, एम आर चुगतई, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई, विनोद बिहारी मुखर्जी, शितेंद्रनाथ मजूमदार एंड राम किंकर बच। इसके अलावा और भी आर्टिस्ट थे, असित कुमार हल्दार और अमृता शैलगिल, ये ऐसे कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने बंगाल स्कूल के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी। एंड यही आर्टिस्ट इन आर्टिस्ट ने ही अपनी इंडियन आर्ट को री एस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी। दिस इज इंडियाज फर्स्ट नेशनलिस्ट आर्ट स्कूल कला भवन। ये शांति निकेतन में है, प्रॉपर कोलकाता में। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन आर्टिस्ट टू मॉडर्न इंडियन आर्ट। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको चैप्टर नंबर 6 समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बाय द वे अगर आपको चैप्टर नंबर 6 आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 को एक बार अच्छे से पढ़िएगा तभी जाके आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि चैप्टर इंटरलिंक्ड है। मैं ये बात बार बार बच्चों को बताती हूँ कि चैप्टर्स जो आपके हैं, फॉर एग्जांपल आपका चैप्टर नंबर 6 और 7 बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। एक चैप्टर के समझने पर ही आपको दूसरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन आर्टिस्ट टू मॉडर्न इंडियन आर्ट। मॉडर्न इंडियन आर्ट के अंदर इंडिया के ऐसे कौन से आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपना मेन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया? उनमें नंबर 1 नेम आता है गंगेंद्रनाथ टैगोर का। ही वॉज द इंडियाज फर्स्ट क्यूबिज्म आर्टिस्ट। This is his paintings. He created a unique style of painting by using cubist element. इन्होंने पेंटिंग के अंदर क्यूबिज्म स्टाइल को डेवलप किया, दैट मीन्स इन्होंने ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स की हेल्प से इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में एक क्यूबिज्म स्टाइल को क्रिएट किया था। His cubism style was quite different from famous cubist artist Pablo Picasso।
इनके जो क्यूबिज्म स्टाइल थी, बेसिकली इनकी स्टाइल जो यूरोप के मेन जो आर्टिस्ट थे जिनका नाम था पाब्लो पिकासो, उनकी क्यूबिज्म स्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट आर्ट स्टाइल थे, बिकॉज ऑफ गगनेंद्रनाथ टैगोर यूज डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस लाइक डायगनल, स्ट्रेट, स्टैंडिंग, हॉरिजॉन्टल लाइंस को इन्होंने पेंटिंग में अपनी आर्ट स्टाइल को, अपनी स्टाइल को डेवलप करने के लिए यूज़ किया। वही जो पाब्लो पिकासो थे, जबकि पाब्लो पिकासो ने ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स को इन्होंने पेंटिंग में यूज़ किया था क्यूबिज्म स्टाइल को डेवलप करने के लिए। एंड जो ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग आपकी गगनेंद्रनाथ टैगोर की सिटी इन द नाइट पेंटिंग है। ही क्रिएटेड क्यूबिज्म स्टाइल यूजिंग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगनल लाइंस लाइंस इन हिज स्टाइल, वेयर एज पिकासो इन्वेंटेड दिस स्टाइल यूजिंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स। वहीं पिकासो ने अपनी स्टाइल को ज्योमेट्रिकल फिगर्स की हेल्प से डेवलप किया था। नेक्स्ट आर्टिस्ट इज रविंद्रनाथ टैगोर, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कला भवन। इनका कला भवन इज इंडियाज फर्स्ट नेशनलिस्ट आर्ट स्कूल। ही डेवलप्ड अ यूनिक यूनिक कैलीग्राफिक स्टाइल बाय यूजिंग डूडल पैटर्न्स। दीज डूडल पैटर्न्स इनटू ह्यूमन फेसेस एंड लैंडस्केप इन हिज पोएम्स। इन्होंने बेसिकली कैलीग्राफिक स्टाइल को डेवलप किया, क्योंकि ये खुद एक राइटर थे तो इन्हें लिखने का शौक था। एंड उसी राइटिंग में ये बेसिकली बैठे बैठे डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स को ये क्रिएट करते थे अपनी राइटिंग के अंदर। तो बेसिकली जो पैटर्न्स उन्होंने जो डेवलप किए, उन पैटर्न्स को डूडल पैटर्न्स कहा गया। एंड उससे इनकी कैलीग्राफिक स्टाइल में एक नया डिफरेंट आर्ट स्टाइल डेवलप हुआ। एंड बेसिकली इस पैटर्न्स, डूडल पैटर्न्स के अंदर ये ह्यूमन फेसेस को, लैंडस्केप्स को क्रिएट करते थे। लिमिटेड कलर लाइक ब्लैक, येलो कर, रेड एंड ब्राउन वर यूज्ड इन पेंटिंग। एंड इन्होंने अपनी पेंटिंग में लिमिटेड कलर्स को यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल ब्लैक, येलो कर, रेड एंड ब्राउन कलर्स को इन्होंने यूज़ किया। एंड इन्होंने पेंटिंग का वर्क, या पेंटिंग वर्क जो था इनका, इन्होंने उम्र की 60 दशक, जो 60 साल होते हैं, दैट मीन्स जो मतलब 60 वर्ष की उम्र के बाद इन्होंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया था। इन्फ्लुएंस ऑफ अजंता पेंटिंग्स, मुगल्स एंड पहाड़ी पेंटिंग्स कैन बी सीन ऑन हिज पेंटिंग। और इनकी जो पेंटिंग्स हैं, इनकी पेंटिंग्स के अंदर अजंता, मुगल एंड पहाड़ी पेंटिंग का इम्पैक्ट सीन होता है। दिस इज रविंद्रनाथ आर्टवर्क। एंड इसमें आपको दिख रहा होगा कि फेसेस के अंदर कितने सारे लेटर्स, जो वर्ड्स हैं वो लिखे हुए हैं इन बंगाली लैंग्वेज, बंगला लैंग्वेज। दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ हिज आर्ट। दिस वन मोर आर्टवर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आर्टिस्ट इज नंदलाल बोस, हु वॉज द स्टूडेंट ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर। नंदलाल बोस के बारे में आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ चुके हो। ही ज्वाइन कला भवन इन 1921-22 एंड गॉट ट्रेनिंग अंडर अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने कला भवन 1921-22 में ज्वाइन किया था एंड ट्रेनिंग किससे ली थी? अवनींद्रनाथ टैगोर से। विनोद बिहारी मुखर्जी एंड राम किंकर बैज वर द मोस्ट क्रिएटिव स्टूडेंट ऑफ बोस। नंदलाल बोस के, विनोद बिहारी मुखर्जी एंड राम किंकर बैज दोनों ही आर्टिस्ट नंदलाल बोस के क्रिएटिव स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने मॉडर्न आर्ट के अंदर अपनी अपना मेन कंट्रीब्यूशन दिया। फॉर एग्जांपल विनोद बिहारी मुखर्जी ने जो हिंदी भवन था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कंपाउंड में हिंदी भवन की वॉल्स पे
दैट मीन्स उनकी जो दीवारें थी उन दीवारों पे इन्होंने म्यूरल पेंटिंग या म्यूरल पेंट किया था, जिसका नाम था मेडिवल द लाइव्स ऑफ मेडिवल संत। एंड प्रॉपर मेडिवल संत की लाइफ स्टाइल को डिनोट करता हुआ वो आर्टवर्क था। एंड नेक्स्ट जो आर्टिस्ट थे राम किंकर बैज जो भारतीय मूर्ति कला है उसके फादर या उसके जनक भी माने जाते हैं, इंडियन मॉडर्न स्कल्पचर के फादर माने जाते हैं राम किंकर बैज, क्योंकि इन्होंने पहली बार स्कल्पचर के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था सीमेंट एंड कंक्रीट के साथ में। एंड इनका बेस्ट इस एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल या बेस्ट एग्जाम्पल है संथाल फैमिली। नेक्स्ट आर्टिस्ट इज विनोद बिहारी मुखर्जी। दिस इज विनोद बिहारी मुखर्जी पोर्ट्रेट पिक्चर। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय मेडिवल संत्स। जो विनोद बिहारी मुखर्जी थे वो मध्ययुगीन जो भक्ति काल के जो संत थे उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, उनसे काफ़ी प्रभावित थे। ही ऑल्सो पेंटेड अ म्यूरल कॉल्ड मेडिवल संत्स। एंड इन्होंने एक म्यूरल पेंट किया था जिसका नाम इन्होंने रखा था मेडिवल संत ऑन द वॉल ऑफ हिंदी भवन एट शांति निकेतन। जो शांति निकेतन के जो हिंदी भवन की दीवारों पे इन्होंने इस म्यूरल को पेंट किया था। ही ट्राई टू डिपिक्ट मेडिवल हिस्ट्री थ्रू द लाइव्स ऑफ कबीर तुलसीदास एंड अदर एसेट्रा। इन्होंने इस पेंटिंग के माध्यम से जो मिडिवल हिस्ट्री थी जो भक्ति काल था उस हिस्ट्री को दिखाने की इन्होंने कोशिश की। एंड उन पेंटिंग्स के अंदर उन्होंने कबीर तुलसीदास जैसे कवियों को भक्ति काल के जो कवि थे उनकी लाइफ स्टाइल को उनके लाइफ्स को उनके जीवन को दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। नेक्स्ट आर्टिस्ट इज राम किंकर बैज। ही हैड अ स्पेशल लव फॉर नेचर। इन्हें प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार था। ही ट्राई टू डिपिक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ डेली लाइफ। एंड साथ ही इन्हें डेली लाइफ की एक्सपीरियंस को एक ह्यूमन बीइंग की जो डेली लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है उसे डिपिक्ट करना इन्हें बहुत अच्छा लगता था। और इन्होंने ये कोशिश भी की है अपनी अपने स्कल्पचर संथाल फैमिली के माध्यम से। दिस इज द पिक्चर ऑफ राम किंकर बैच। द संथाल फैमिली लाइफ साइज स्कल्पचर बिल्ट द मोन्यूमेंट विद सीमेंट कॉन्क्रीट एंड वायर्स इन कला भवन कंपाउंड। इनका जो बेस्ट एग्जाम्पल है संथाल फैमिली, इनका एक्सपेरिमेंटल आर्टवर्क था जिसके और ये लाइफ साइज स्कल्पचर है जो कला भवन कंपाउंड में बना हुआ है। एंड ये 360 डिग्री दैट मीन्स ये 3D में बना हुआ पूरा स्कल्पचर है। इसे आप आगे पीछे चारों तरफ से घूम करके इसको आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हिज आर्ट स्टाइल वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आर्ट स्टाइल ऑफ डीपी राय चौधरी। इनकी जो आर्ट स्टाइल थी दैट मीन्स राम किंकर बैच का जो आर्ट वर्क था वो बिल्कुल डीपी राय चौधरी से बिल्कुल जस्ट अपोजिट था या उससे बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि डीपी राय चौधरी ने जो नेचुरलिस्ट आर्ट आर्ट होती है या यूं बोल लीजिए यूरोपियन आर्ट स्टाइल होती है उसमें वर्क किया था। रियलिज्म को बेस करते हुए इन्होंने अपना स्कल्पचर बनाया था। वहीं जो राम किंकर बैस थे उनका उनका स्कल्पचर यूरोपियन आर्ट स्टाइल से डिफरेंट था। डीपी राय चौधरी यूज एकेडमिक रियलिज्म स्टाइल टू स्कल्प द ट्रायम्फ ऑफ लेबर स्कल्पचर। एंड उसका जो इन्होंने स्कल्पचर जो स्कल्प किया था उसका नाम था द ट्रायम्फ ऑफ लेबर श्रम की विजय। एंड ये प्रॉपर एकेडमिक रियलिज्म स्टाइल या यूरोपियन आर्ट स्टाइल में बना हुआ स्कल्पचर है। नेक्स्ट आर्टिस्ट इज यामिनी रॉय एंड हिज कंप्लीट नेम इज यामिनी रंजन रॉय। इज सम पिक्चर्स ऑफ यामिनी रॉय आर्ट वर्क। एंड इनकी पेंटिंग्स में कालीघाट की पेंटिंग्स या फोक आर्ट के कुछ फीचर्स कुछ एलिमेंट सीन होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये जो पेंटिंग है, जो मास्क दिख रहा है आपको, इसमें अफ्रीकन फोक आर्ट का इसमें हमें इसके अंदर एलिमेंट सीन होता है। उनके बारे में देखिए, ही रिजेक्टेड हिज एकेडमिक आर्ट ट्रेनिंग फ्रॉम कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट। इन्होंने जो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट था वहाँ की इन्होंने एकेडमिक आर्ट ट्रेनिंग को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। इनका मानना था जो आर्ट है वो किसी बंद कमरे में रह करके नहीं की जा सकती, उसे एक खुले एनवायरनमेंट में प्रकृति के बीच में करना चाहिए। ही नोटिस दैट देयर वॉज अ ग्रेट रिसेम्बलेंस बिटवीन बंगाल एंड यूरोपियन आर्टिस्ट पिकासो एंड पॉल क्ले आर्ट। इनके इन्होंने जो बंगाल स्कूल एंड जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे पाब्लो पिकासो एंड द पॉल क्ले आर्ट, इनकी बीच में इन्होंने काफ़ी कुछ मतलब समानताएं देखी, रिसेम्बलेंस देखी। इन्होंने नोटिस किया था इस चीज़ को, क्योंकि दोनों की आर्ट स्टाइल का मेन जो पर्पस था या जो मेन मोटो था वो यूरोपियन आर्ट स्टाइल को का अगेंस्ट मतलब उसका विरोध करना था, अपोज करना था। एंड ये चीज़ इन्होंने काफ़ी नोटिस की। पिकासो क्यूबिज्म वॉज इंस्पायर्ड बाय फकिन मास। जो पिकासो की जो क्यूबिज्म स्टाइल थी वो बेसिकली ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे तो थी साथ बेस्ड थी, साथ ही साथ अफ्रीकन मास से भी वो काफ़ी इंस्पायर्ड थी। जामिनी रॉय यूज सिंपल एंड प्योर कलर बाय गेटिंग फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड मिनरल्स एंड ही ऑल्सो साइन ऑन हिज पेंटिंग। यामिनी रॉय ने जो पेंटिंग्स बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म्स को यूज़ करते हुए या इजी टू क्रिएट, दैट मीन्स इजीली उसको बना सकते हैं, ऐसी उन्होंने सिंपल सोबर शेप्स को उन्होंने पेंटिंग में लिया। साथ ही साथ प्योर कलर को इन्होंने पेंटिंग में यूज़ किया जो बेसिकली उनके आसपास के एनवायरनमेंट से, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल से मिनरल्स से इन्हें मिल जाया करते थे। तो क्योंकि ये फोक आर्ट से काफ़ी इंस्पायर्ड थे तो जो बेसिकली फोक आर्ट के जो आर्टिस्ट थे वो कलर्स को अपने आसपास से ही बना लिया करते थे, तो ये चीज़ उन्होंने वहीं से सीखी थी। एंड साथ ही साथ ये अपनी पेंटिंग्स में साइन भी किया करते थे। नेक्स्ट आर्टिस्ट इज अमृता शर्गिल एंड दिस इज़ द लास्ट आर्टिस्ट ऑफ दिस वीडियो। दिस इज अमृता शर्गिल पोर्ट्रेट पिक्चर एंड हर पेंटिंग थ्री सिस्टर्स, तीन बहनें। शी वॉज हाफ हंगेरियन एंड हाफ इंडियन। जो अमृता शैगल थी वो हाफ हंगेरियन दैट मीन्स अर्ध हंगेरियन एंड अर्ध भारतीय थी, दैट मीन्स इनके जो फादर थे वो इंडियन थे एंड इनकी मदर हंगरी कंट्री की या हंगेरियन थी। ही गॉट ट्रेनिंग एजुकेशन फ्रॉम आर्ट एजुकेशन फ्रॉम पेरिस एंड चूज इंडिया हिज आर्ट वर्क प्लेस। इन्होंने बेसिकली आर्ट की जो एजुकेशन थी वो पेरिस से ली थी एंड बट इंडिया को इन्होंने अपना वर्क प्लेस के फॉर्म में चुना, मतलब इंडिया को इन्होंने कर्म भूमि के रूप में इन्होंने इंडिया को चूज़ किया, जबकि इनकी आर्ट की एजुकेशन प्रॉपर तरीके से जो यूरोपियन आर्ट स्टाइल थी उसमें हुई थी, इन्होंने ट्रेनिंग पेरिस से ली थी। हर आर्ट वॉज मिक्सचर ऑफ यूरोपियन आर्ट एंड इंडियन आर्ट स्टाइल एंड इसीलिए इनकी आर्ट स्टाइल में यूरोपियन प्लस इंडियन दोनों आर्ट स्टाइल का मिला जुला रूप नज़र आता है। तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह के डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।